मेडिटेशन के प्रोसेस में अपनी चेतना को प्रवाहित करना, बाहर से भीतर की ओर, अंतस ध्यान की धारा में डुबकी लगाते चले जाना, जागे जागे देखती रहना, लगातार देखती रहना, दोनों पल के मूंदते ही चाहूं और अंधेरा ही अंधेरा है, अंधेरों का अनुभव लेते जाना, अंधेरों को ही देखते चले जाना, तेरा स्वभाव है देखना, मेडिटेशन का ये प्रोसेस तुझको भीतर अपने स्वभाव में स्थित कर देगा, अपने स्वभाव में जीना ही धर्म है, साक्षी दृष्टा होकर के जीना, निष्पक्ष निरपेक्ष होकर के जीना, तुम एक न्यूट्रल एनर्जी होकर के जीना, जागे जागे जीना। If you want peace of mind, balance, bless, harmony, ease and equanimity, full of love, willpower, concentration, right contemplation, tension-free, stress-free life, freedom from all bondages, mental as well as heart diseases, all ignorance, then come and to your central point. Go deep and deep into meditation. Remember your real self. Who are you? What you are? Who am I? Put this question. Raise this question. Remember this question and solve it. In deep meditation, लगातार देखते रहना, सरलता सहजता सरसता एकमात्र यही तेरा स्वभाव है, जीवन संगीतमय हो जाए, सुखद आनंदमय हो जाए, जिस दिन तू अपने भीतर को संभाले, अपनी पोटली खोल कर कीजिए, अपना हृदय द्वार खोल कर कीजिए, जागे जागे देखते रहना, अंधेरा है सन्नाटा है कुछ भी नहीं है, धीरे धीरे विचारों का जगत खड़ा हो जाता है,
मन माया का विस्तार चारों ओर धुआं धुआं बन करके उठता है। तुम जागे जागे देखते रहना, जागोगी तो जानोगी तुम कितने क्षुद्र बातों में पड़े थे, तुम कितनी क्षुद्र क्रियाओं में पड़े थे, तुम कितनी क्षुद्र प्रार्थनाएं गा रहे थे, तुम कितने भिखारी बने थे। जागोगी तो जानोगी वो विराट महासूर्य तेरे पीछे, तेरे ही भीतर तुझको कितने जन्मों से पुकार रहा था। अकस्मात, अनायास, अकारण कैसे उतर गया भीतर, बूंद में सागर कैसे उतर आया, एक किरण में महासूर्य कैसे उदय हो गया। अपना ही अंश विराट असीम इस सीमित बॉडी में कैसे प्रकट हो जाता है, समा जाता है, केवल तेरे प्रेम के कारण, तेरी प्यास भरी आवाज पुकार के कारण। भीतर का जागरण ही तेरा ज्ञान है, भीतर की होश सुरती का संभलना ही तेरा ज्ञान है। निर्विचार अवस्था, निशब्द अवस्था, जहां एक अंतर्नाद गूंजता है, अंतस ध्वनि, जहां निरंतर लयबद्ध होकर की तेरे रोम रोम का संगीतमय बनाती चली जाती है। तुझको तेरे प्रीतम के समीप निकट उतारती चली जाती है। रोम रोम जहां प्रेममय होता जाता है, वहां ये कहने की जरूरत नहीं होती कि हम सब प्रेम पूर्ण जिए, वो तो होगा ही, गर प्रेम में कहीं सौदा ना हो। जहां रोम रोम प्रेम पूर्ण हो जाएगा, फिर ये क्षुद्र प्रार्थनाएं गिर जाएंगी। जो ही तू ध्यान को अंतस में उतार लेता है, ये सब संभव हो जाता है, क्योंकि ये परम संपदा भीतर है। विचार, शब्द, भाषा, व्याख्या के पार, मन के पार, ए जर्नी बियॉन्ड माइंड, दिस मेडिटेशन इज। कस्तूरी कुंडल बसे,
पिता अरु भ्रात तू ही मुख मोड़ू कैसी, मैं मुख मोड़ू कैसी, तू मेरी सरकार है, मेरा प्यार है, संसार है, तुझे छोड़ू कैसे। माता और भ्रात तू ही मुख मोड़ू कैसे, मैं मुख मोड़ू कैसे, तू मेरी सरकार है, मेरा प्यार है, संसार है, मैं तुझे छोड़ू कैसे। मात पिता अरु भ्रात तू ही मुख मोड़ू कैसे, मैं मुख मोड़ू कैसे। मैं हूँ नदिया, मैं हूँ नदिया, धार तू ही है गुरुवर, धार तू ही है, मैं हूँ नदिया, धार तू ही है गुरुवर, धार तू ही है, मैं हूँ वीणा, वारी मीरा, मैं हूँ वीणा, तान तू ही है गुरुवर, तान तू ही है, मैं हूँ नदिया, मैं हूँ नदिया, धार तू ही है गुरुवर, धार तू ही है, मैं हूँ वीणा, मैं हूँ वीणा, तान तू ही है गुरुवर, तान तू ही है, तेरी द्वार का दास हूँ, बेआस हूँ, मैं निराश हूँ, तुझे छोड़ू कैसे। मात पिता अरु भ्रात तू ही मुख मोड़ू कैसे, मैं मुख मोड़ू कैसे। Thank you.
जैसी ही जीवन लीला है। अपनी सारी लीलाओं को संपन्नता प्रदान करके, संपन्न करके भगवान कृष्ण चले, एक बहाने से चले, यूं ही छोटे से कारण से चले गए। जैसे ही उन्होंने अपनी पावन लीला को संपन्न करके विदाई लिया, उधर पांचों पांडवों ने भी राजपाट त्याग दिया। जब तक गुरुदेव सिर पर रहे, पीछे रहे, चलता रहा राजपाट, चलता रहा कामकाज, चलता रहा तमाम प्रकार के कल्याणकारी कृत्य चलते रहे। जो ही उन्होंने वैकुंठ धाम की ओर रवानगी पकड़ी, अपने धाम की ओर चले, बस उसे समय सारे राजपाट को ठोकर मार करके पांचों पांडव द्रौपदी सहित स्वर्गारोहण की ओर चले। ध्यान, साधना, भक्ति, भजन, तप, तपस्या में चले जा रहा है। एकमात्र उस प्रभु की विराट धारा में समाहित होने के लिए, एक हो जाने के लिए सदा के लिए चले गए। उधर गुरु और उधर शेष दोनों साथ साथ चले गए। उनके जाने के बाद वो भी राजगद्दी को सदा सदा के लिए नमस्कार करके चले गए। और भगवान राम ने भी यही कहा कि गुरुदेव, आपके होते होते आपके हाथों से जाएं हम। आप स्वयं अपनी नजरों से हमें इस मर्यादा और लीला को संपन्न करें। भीतर से तो हम दोनों एक ही हैं, केवल रोल की अदायगी करने आए, जीवन को दिशा देने आए, मानव जाति को सही दिशा प्रदान करने के लिए हम दोनों उतरे। एक ही महान शक्ति के दो रूप, एक ही महान अस्तित्व के दो रूप, एक ही महाशक्ति के दो रूप गुरु शेष, आपके होते होते हम जाएं। गुरुदेव के आदेश को धारण करते ही हर कदम उठता है जिसका, वो अंतिम घड़ी भी गुरु के आदेश में जा रही है। अंतिम घड़ी में भी सरयू नदी में डुबकी लगाने से पहले उसकी नजरों में नजरें उतार करके एक हो जाने की कला में उतर गए। राम, भगवान राम, गुरुदेव के अस्तित्व को देखते देखते वो उसी में समा गए, वो विराट में चले गए, वो अपने निराकार स्वरूप में चले गए, वो अपने निराकार अस्तित्व में सदगुरु के होती होती चले गए। ये प्रेम ही समर्पण है, ये मस्ती और आनंद ही समर्पण है, यही एकमात्र रिश्ता है प्रेम का। जहां भी प्रेम पंखुड़ी खिली है, वहां सदा आनंद ही आनंद बरसा है, स्वास्थ्य ही स्वास्थ्य बरसा है। केवल मात्र एक अनन्य भाव, अन्य अन्य से हट करके अनन्य भाव ही जगह है। फिर वही प्राण है अपने, वही एकमात्र मालिक है अपने, वही है जीवन आधार अपने, कोई दूसरा नहीं। धन्य धन्य हो जाता है जीवन जब भीतर प्रेम पुलक जगती है, उसका एक
दीदार, उसी की एकमात्र दीद, उसी की एकमात्र चाहना, उसी की एकमात्र प्यास जगती है, तो रोम रोम खिल उठता है, जरा जरा खिल उठता है। याद रखना, तुम पूछते हो कैसे जाए उसकी और कैसे जाए, हम तुमसे पूछते हैं तुम कैसे आए उसको छोड़ करके कैसे आए। तुम उसको छोड़ करके नीचे कैसे आए, कैसे अपनी मैं मेरी में आए, कैसे अपने अहंकार अस्मिता के अंधेरों में भटके, कैसे कैसे तूने उस शिखर पर रहने वाले नहीं, उस शिखर पर आबाद हो जाने वालों ने कैसे किन सोपान से नीचे उतरा है, जिन सोपान से तुम नीचे उतर के आए उसी सोपान से तुम पुनः चढ़िएगा, वापिस मुड़िएगा, उन्हीं सोपान से तुम पुनः शिखर पर पहुंचिएगा। सोपान एक ही है, सीढ़ी एक ही है, उसी से उतरा जाता है, उसी से चढ़ा जाता है। ये ध्यान रूपी सोपान, ये साधना रूपी सोपान, ये सुरती रूपी सोपान, ये समृद्धि रूपी सोपान एक ही है। जब तुम इस ध्यान को लेकर के बाहर आते हो, बाहर की जगत में धूल दूषित हो जाते हो, तो वो छूट जाता है, वो शिखर तेरे हाथ से छूट जाता है, वो प्रकाश पुंज तेरे हाथ से छूट जाता है, वो स्वरूप तेरे से दूर, तू स्वयं उससे दूर होता चला जाता है। परंतु जैसे ही तू इस ध्यान को, इस चेतना को, इस सुरती को पुनः भीतर की ओर मोड़ लेता है, अपने भीतर की सीढ़ियों पर सोपान पर उतार देता है, पुनः मन मंदिर जग जाता है, पुनः भीतर का तीरथ, भीतर का प्रकाश, भीतर का जागरण, भीतर का एकमात्र अस्तित्व, विराट अस्तित्व, पुनः तेरा स्रोत तेरे हाथ लग जाता है। ध्यान वही है, अगर तूने भीतर अपने स्रोत से जोड़े रखा तो तू विराट होके जिया, अगर तूने उस ध्यान को बाहर की सीढ़ियों पर उतारा तो तू उससे बहुत दूर होता चला गया। बाहर आना जाना बुरा नहीं, रहना बुरा है, किसी भी शौचालयों में आना जाना बहुत जरूरी है, किंतु रहना बहुत बुरा है। व्यवहार रूपी शौचालयों में आना जाना बहुत जरूरी है, स्वस्थ रहोगे, परंतु रहना रहना नहीं वहां, अगर वहां रहोगे तो बुद्धू हो जाओगे, तुम बुद्धिहीन हो जाओगे, बुद्धूमान हो जाओगे। रहना नहीं बाहर के जगत में, व्यवहार के जगत में आना जाना, रहना अपने भीतर, रहना अपने शिखरों पर, रहना अपने वैकुंठ धाम में, अपने हृदय द्वार में, रहना वहां जहां तेरा निवास है, जहां तेरा अपना निवास है। दूसरों के मकानों पर रहना, दूसरों के घरों में रहना कब तक, तभी तो चार कंधों पर उठा करके फेंक दिए जाता हो, बहुत बेइज्जत होकर के निकलता हो, बहुत शिकवे शिकायत लेकर के निकलता हो आखिरी घड़ी में, क्योंकि दूसरों के घर में जिए हो, सब दूसरा है बाहर, सब दूसरा है। उसी ध्यान से तूने भीतर को उपलब्ध होना है, जिस ध्यान से तूने बाहर के जगत को उपलब्ध किया है, वही है ध्यान। बाहर जाए, अपनी तमाम रोल की अदायगी करे, उपलब्धियां करे, वापस भीतर अपने स्रोत में मुड़ा आए। ये एक पावन पवित्र अध्यात्मिक यात्रा, धर्म अध्यात्म की यात्रा, तेरे स्वभाव की यात्रा, तेरे अस्तित्व की यात्रा तुझको परिपूर्ण कर देगी, तुझको सिंथेसाइज समन्वित कर देगी, तुझको पूरी तरह से संजो देगी, संयुक्त कर देगी, भीतर बाहर को जोड़ देगी, शरीर और आत्मा को जोड़ देगी, संसार और सत्य को जोड़ देगी, जगत और जगदीश को एक कर देगी। जिस दिन तूने उसी सोपान से अपने शिखरों की ओर बढ़ना शुरू किया,
अपने स्रोत की ओर बढ़ना शुरू किया। वही है सोपान, वही है सीढ़ी, एक ही है। जैसे तुम उतरे हो उससे वैसे तुम चढ़ जाइए, वैसे ही चढ़ना होगा। तुम वापिस मुड़िए। मेडिटेशन अंतस ध्यान तेरी मंजिल की ओर तुझको पुकारता है, तेरी मंजिल की ओर तुझको उन्मुख करता है, तेरी मंजिल की ओर तुझको पुनः ले आता है। ये तुझको तेरी याद दिलाता है कि तेरा शिखर कहाँ है, तेरा स्रोत कहाँ है। और जब तू उस ओर बढ़ने लगता है, उस ओर अपनी नजरें उठाने लगता है, उस ओर अपने कदम उठाता है, उस ओर तू अपनी चेतना को प्रवाहित करने लगता है, तो फिर तू यही कहता है, फिर तुझे सत्य का भान होता है, तुझे वास्तविकता का भान होता है, तब तुझे अपना अस्तित्व याद आता, तुझे अपना आप याद आता है। जब तक मेरी सांस चलेगी गुरुवर, सांस चलेगी जब तक मेरी, जब तक मेरी सांस चलेगी गुरुवर, सांस चलेगी तब तक तेरी, तब तक तेरी आस पलेगी गुरुवर, आस पलेगी मेरी चिता, फिर डोलेगी मुख खोलेगी ये बोलेगी, मैं तुझे छोड़ू मातृता अरुभा तू ही मुख मोड़ू कैसे, मैं मुख मोड़ू कैसे, तो मेरी सरकार है, मेरा प्यार है, संसार है, मैं तुझे छोड़ू कैसे, मात पिता अरुभा तू ही मुख मोड़ू कैसे, मैं मुख मोड़ू कैसे।